हेलो दोस्तों, आज हम लोग साइंटिस्ट द्वारा रचाए गए एक मॉलिक्यूल्स के बारे में बात करने वाले हैं जो कि ब्लैक होल को रिजेंबल करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सो कैलिफोर्निया में पार्टिकल एक्सीलेटर के साइंटिस्ट ने एक ऐसा मॉलिक्यूल बनाकर एक रिमार्केबल उपलब्धि हासिल की है जो सकारात्मक चार्ज रखता है और ब्लैक होल के समान समानता रखता है। ब्लैक होल बेहद मजबूत ग्रेविटेशनल फोर्सेस वाली कॉस्मिक एंटिटीज हैं जो प्रकाश सहित हर चीज को अपनी ओर खींचती है। इन्हें ब्रह्मांड की सबसे रहस्यमय और आकर्षक घटनाओं में से एक माना जाता है। अब आप यह सोच रहे होंगे कि मॉलिक्यूल्स आखिर क्या है। सो मॉलिक्यूल्स को छोटे निर्माण खंडों के रूप में हम सोचे तो हमारे चारों ओर सब कुछ बनाते हैं, जैसे कि जिस हवा में हम सांस लेते हैं, जो पानी हम पीते हैं और यहाँ तक कि खुद भी। साइंटिस्ट के पास परमाणु को रीअरेंजिंग और संयोजित करके विभिन्न प्रकार के मॉलिक्यूल्स बनाने की क्षमता है जो कि और भी छोटे पार्टिकल्स होते हैं। ब्लैक होल जैसा सकारात्मक चार्ज मॉलिक्यूल बनाना एक महत्वपूर्ण वैज्ञानिक उपलब्धि है क्योंकि यह साइंटिस्ट को इन रहस्यमय ब्रह्मांडीय वस्तुओं को बेहतर अध्ययन और समझने की अनुमति देता है। लैबोरेटरी में ब्लैक होल के कुछ गुणों को फिर से बनाकर साइंटिस्ट यह जानने के लिए प्रयोग कर सकते हैं कि वे कैसे काम करते हैं और ब्रह्मांड को कैसे प्रभावित करते हैं। सो हवाई जहाज और जहाजों के अनएक्सप्लेन डिसअपीयरेंसेस होने के बारे में कहानियां और स्पेकुलेशंस हैं जिनके बारे में कुछ लोग सोचते हैं कि इसे ग्रेविटेशनल होल से जोड़ा जा सकता है। हालांकि यह ध्यान रखना इम्पोर्टेंट है कि यह थ्योरी साइंटिफिक एविडेंस द्वारा अनवेरिफाइड है। अब आइए अनएक्सप्लेन्ड डिसअपीयरेंसेस की कॉन्सेप्ट को तोड़ते हैं। कल्पना कीजिए कि आप एक दोस्त के साथ कैच का खेल खेल रहे हैं और जब वे आपकी ओर गेंद फेंकते हैं तो गेंद ग्रेविटी के कारण जमीन पर गिर जाती है। ग्रेविटी वह है जो हमें पृथ्वी पर टिकाए रखता है और चीजों को अपनी ओर खींचता है। दूसरी और ब्लैक होल में इनक्रेडिबली पावरफुल ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। यह ग्रेविटी के एक सुपरचार्ज संस्करण की तरह है जो असाधारण बल के साथ चीजों को खींचने के लिए पर्याप्त मजबूत है। यह अत्यधिक ग्रेविटेशनल पुल अंतरिक्ष में एक छेद यानी होल बनाता है, इसीलिए इसे ब्लैक होल का नाम दिया गया है। हालांकि यह ध्यान रखना इम्पोर्टेंट है कि साइंटिस्ट किसी भी लेबोरेटरी सेटिंग में सीधे तौर पर वास्तविक ब्लैक होल का निरीक्षण या निर्माण करने में सक्षम नहीं है। ग्रेविटेशनल होल्स का विचार संभावित रूप से अनएक्सप्लेन्ड डिसअपीयरेंसेस होने का कारण एक पेचीदा लेकिन अप्रमाणित सिद्धांत है। ऐसी घटनाओं में मौसम की स्थिति, मानवीय त्रुटि या तकनीकी खराबी सहित कई अन्य कारक शामिल हो सकते हैं। वैज्ञानिक इन घटनाओं के आसपास के रहस्यों को जानने के लिए उनकी जांच करना जारी रखते हैं। ब्लैक होल जैसा पॉजिटिवली चार्ज्ड मॉलिक्यूल का निर्माण एक अद्भुत वैज्ञानिक उपलब्ध है जो अनुसंधान के लिए नए रास्ते खोलता है, जबकि ग्रेविटेशनल होल्स का सिद्धांत संभावित रूप से अनएक्सप्लेन्ड डिसअपीयरेंसेस होने का व्याख्या करता है। साइंटिस्ट आर कॉन्स्टेंटली एक्सप्लोरिंग एंड पुशिंग द बाउंड्रीज ऑफ आवर नॉलेज टू अनकवर द सीक्रेट्स ऑफ दिस यूनिवर्स। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।